आजकल आप लोग इस बात को लेकर के ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई हम सिंगल विज़न बनवाए या फिर डबल विज़न चश्मा बनवाए, मतलब कि दूर का पास का एक में बनवाए या फिर एक बनवा लें जो हमारा पावर है। सारी चीज़ें आपकी आज इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। आगे से आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगी कि आपको चश्मा कौन सा बनवाना है। देखिए ऐसे तो मैंने पहले ही बताया, लेकिन आपको एक पूरी चीज़ यहाँ पर इस वीडियो में मैं समझा देता हूँ शॉर्टकट तरीके में, ताकि आपका ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। देखिए होगा क्या कि अगर आपको सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको डबल विज़न यानी कि जो आप बोल रहे हो प्रोग्रेसिव या फिर बाइफोकल डबल विज़न जिसमें कि दूर का पास का दोनों होता है, वो ग्लासेस बनवाने की ज़रूरत कब पड़ती है? उस टाइम जब आपका नियर और डिस्टेंस दोनों का नंबर आ गया हो, दोनों का पावर आ गया हो। अगर आपका केवल डिस्टेंस का पावर आया है तो आप डबल विज़न के बारे में सोचो भी मत कि आपको डबल विज़न बनवाना है, क्योंकि जो सबसे पहले पावर आता है वो डिस्टेंस का होता है। और जो वो लोग बहुत लक्की है जिनका पहले पास का आ रहा है, क्योंकि उनका पास का आ रहा है ना तो उनको दूर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और फ्यूचर में हो सका तो उनका नंबर डिस्टेंस का आए भी ना या फिर थोड़ा बाद में आ जाए, क्योंकि वो तो उनके डाइट वगैरह इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। वो उनकी दिनचर्या, उनका पूरा रूटीन क्या होता है, दिन भर क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, दिन भर आंखों के सामने क्या चीज़ें, इन सब पर डिपेंड करता है। तो उस पर डिटेल पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, सीधी सी बात करते हैं कि अगर आपका डिस्टेंस का नंबर है तो उस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपको डबल विज़न बनवाना है। जब नियर का आएगा उस दौरान बनवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका नियर का नंबर है तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। अगर आपका नियर का नंबर है तो आपको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप चश्मा बनवा रहे हो उस दौरान आपको डबल विज़न बनवा लेना चाहिए। या तो आप बाइफोकल बनवा लो या आप प्रोग्रेसिव बनवा लो, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे आपके हिसाब से वो आप बनवा लो। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपका दूर नियर का नंबर है तो ये कन्फर्म है आपका एक ना एक दिन डिस्टेंस का भी नंबर आएगा ही आएगा। और जब आपका डिस्टेंस का नंबर आएगा तो उस कंडीशन में आपको दो दो चश्मे रखने पड़ेंगे, एक दूर का एक पास का। फिर क्या होगा, अगर आपको दूर में कुछ देखना है तो उस कंडीशन में आपको दूर का चश्मा लगाना पड़ेगा, और अगर आपको पास में कुछ रीडिंग वगैरह करनी है या फिर कुछ देखना है उस कंडीशन में फिर आपको चश्मा चेंज करना पड़ेगा, तो एक तरह की झंझट हो जाएगी। दूसरी चीज़, दो दो चश्मे आपको कैरी करना बहुत ही मुश्किल होगा। तीसरी चीज़, अगर दो दो चश्मे आप बनवाओगे तो दो फ्रेम लेने पड़ेंगे, दो पेयर लेंसेज लेने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप अच्छे लेंसेज बनवा रहे हो तो काफ़ी महंगा चला जाएगा। अब यहाँ पर उससे उसका यही सोल्यूशन है कि आप डबल विज़न बनवाओ या तो बाईफोकल बनवा लो। अगर बाईफोकल से भी बेहतर अगर मैं बात करूँ तो आप प्रोग्रेसिव पे जाओ, सीधा प्रोग्रेसिव बनवा लो। दो चार दिन, 10-15 दिन आपको दिक्कत आएगी, थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन 10-15 दिन अगर आपने उसको ठीक तरीके से समझ लिया तो आपको जीवन भर, मतलब पूरी लाइफ आपकी झंझट ख़त्म हो जाएगी कि आपको दो दो चश्मे रखने या ये सब चीज़ें दो दो कैरी करने, एक ही चश्मे में सारा काम हो जाएगा। ना तो आपको उसको बार बार उतारने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है, ना कुछ, ना उस चश्मे को ऊपर नीचे करने की ज़रूरत है। बस आपने एक बार पहन लिया ठीक तरीके से, कम्फर्ट है, देन उसके बाद आपको बस आंखें ऊपर नीचे करनी है, और उसी में आपका दूर का भी होगा, मिड रेंज का भी होगा, साथ ही साथ नियर रेंज का भी होगा, सारा काम आप उससे इजी तरीके से कर सकते हो। इसीलिए उसको मल्टीफोकल लेंसेज भी बोला जाता है प्रोग्रेसिव को। सिंपल सीधी बात है, आप समझ गए होंगे। अब मैं दूर के जो डिस्टेंस का अगर उनका नंबर है तो उनको डबल विज़न बनवाने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि उनका कन्फर्म नहीं है कि उनका नियर का नंबर कब आएगा, आएगा भी नहीं आएगा, तो उसको छोड़ दीजिए आप। क्योंकि नियर का अगर है तो नियर में अगर आप प्रैक्टिस पहले से कर लेंगे, क्योंकि नियर देखो अगर आपका आपको डिस्टेंस के लिए काफ़ी सारा एरिया मिलता है, काफ़ी सारा, नियर के लिए आपको थोड़ा सा एरिया मिलता है मल्टीफोकल या फिर डबल विज़न में, तो वहीं पर आपको लेंस शूट करना होता है। तो अगर आपका नियर का आ गया है तो अच्छा होगा आप अभी से शूट कर ले, प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि फिर बाद में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे। तो अगर आपका केवल डिस्टेंस का है तो आपको केवल डबल विज़न के बारे में सोचना ही नहीं है, आपका सिंगल विज़न ही बनवाना है। ठीक ठाक लेंस ले लीजिए जो आपको प्रोटेक्ट करे। और अगर आपका वहाँ पर नियर का नंबर आ गया या फिर दोनों है, दूर का भी है पास का है, तो आप एक बेहतर सा बढ़िया सा जो आपको ठीक लगे, जो आपकी रेंज में हो, वो प्रोग्रेसिव लेंसेज बनवा लीजिए। अगर आप प्रोग्रेसिव लेंसेज के प्राइस और फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस यहाँ पर आपको बताई हुई है, तो आप सर्च कीजिएगा प्रोग्रेसिव लेंस प्राइस एंड फीचर और पीछे IVL लिख दीजिएगा तो सारी वीडियोस आपको आ जाएंगी। वहाँ पर अच्छे अच्छे लेंसेज मैंने कौन से आप बेहतर है आपके लिए प्रोग्रेसिव, आपके वर्क के हिसाब से, आपके दिनचर्या के हिसाब से पूरा बताया हुआ है। लास्ट में मुझे लगता है, मैं लास्ट इसलिए बोल रहा हूँ मुझे लगता है क्योंकि आपको शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आपको कौन सा चश्मा बनवाना है। ठीक है,
अब यहाँ पर लास्ट में मैं इतना बोलूँगा कि गाइस हमने एक मैंने एक ब्लॉग चैनल बनाया है, थोड़ा सा सपोर्ट आप वहाँ पर भी दिखाएं। मैं लास्ट में यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, यहाँ से जा कर के उस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ब्लॉग में इंटरेस्टेड है, ब्लॉग वीडियोस देखते हैं, तो मुझे चाहिए ऐसी ऑडियंस जो देखे जिनको इंटरेस्ट हो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप मत, और इस चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको आई ग्लासेस पहनते हो, यूज़ करते हो, समझते हो आई ग्लासेस को, तो यहाँ पर आपके आई ग्लासेस से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो सब्सक्राइब कर लो।